कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब दिया। लगातार इंग्लैंड की जो सीरीज थी इसको शुरू होने से पहले कहा जा रहा था कि टीम इंडिया तो रैंक टर्नर देगी, ये होगा, और पिच को लेकर कहा जाता था कि स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाएंगे, लेकिन तीनों मुकाबले आप देखिए, तीनों मुकाबले चार चार दिन तक गए, कोई भी रैंक टर्नर देखने को नहीं मिली। आपके पेसर्स विकेट ले रहे, चाहे इंग्लैंड की बात कीजिए, चाहे आप बात कीजिए इंडिया की, जसप्रीत बुमराह, मार्क वुड, जेम्स एंडरसन ने भी अच्छी गेंदबाजी अगर की है तो उनको भी विकेट मिला। अब इसी बारे में बात करते हुए रोहित शर्मा ने साफ तौर पर बोला है कि देखिए, जो क्यूरेटर्स पिच बनाते हैं हम उस पर खेलने को तैयार हैं, हम किसी भी पिच पे खेल सकते हैं, हमें कोई डर नहीं है, हम लोगों को पता है जब हम केपटाउन में जीते थे वो पिच कैसी थी, लेकिन हम लोग कभी भी उस चीज़ को लेकर कंप्लेन नहीं करते। उन्होंने साफ तौर पे एक बात और बोली कि जिस तरह से खिलाड़ी खेल रहे हैं वो बताता है, दर्शाता है कि वो कितनी पूरी तरह से तैयार है और कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पे हमारे लिए नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पिच कैसी भी हो, चाहे रैंक टर्नर हो, चाहे कैसी भी पिच हो, हम लोग खेलने के लिए तैयार है, मेरे पास वो टीम है जो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। तो ये एक भरोसा दिखाया। उन्होंने एक बात और कही कि तीन टेस्ट मैचेस हुए और तीनों टेस्ट मैचेस में अगर आप देखें अलग अलग काइंड की आपको पिचेस देखने को मिले, चाहे हैदराबाद की आप बात करें, वाइजैक की बात करें या राजकोट की बात करें, आपको तीनों मैचेस में अलग अलग पिच देखने को मिली है, नेचर ऑफ द पिच अलग थी। तो जो ये सवाल उठ रहे हैं इनको अब विराम दे देना चाहिए, हम लोग हर पिच पे खेलने को तैयार है। और उन्होंने कहा कि अगर हमें रैंक टर्नर भी मिल जाती तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम खेलेंगे, हम शिकायत नहीं करेंगे, हमारी टीम की जो स्ट्रेंथ है वो हमारा स्किल सेट है, हमारी परफॉर्मेंस है, ना कि पिच। यहाँ पे वैसे ये एक जो चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही थी, इंग्लिश खिलाड़ी ओली पॉप ने भी बोला था, जेम्स एंडरसन ने बोला था, पूर्व इंग्लिश खिलाड़ी तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से अपने प्रदर्शन के दम पे इस टीम ने, भारतीय टीम ने यहाँ पर सभी सवालों पर जवाब दे दिया और विराम लगा दिया इस डिबेट पे, जो पिच की ये डिबेट यहाँ पे चल रही थी।